उनका हम लोगों ने इस देल देश इस काल इस परिस्थिति के अनुसार उनका सम्मान किया और हम सबको अपने पिता का अपने माता का सम्मान करना चाहिए, हमारी परंपरा है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि सचमुच मैं इससे पहले बहुत बार आया हूँ, लगभग 31 साल से देश में आ रहा हूँ। मैं प्रायः मैं अमेरिका आता हूँ इस बार 6 वर्ष बाद, और खास करके हमारे जो कृष्णकांत जो आपके यहाँ पर रहे हैं इनकी भी एक प्रेरणा थी कि आपको चलना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा इतना समागम, इतना प्रेम। तो भारत में भी सचमुच कहूं तो अब बहुत दुर्लभ हो गया है, लेकिन हम लोगों को जो आप लोगों का जो यहाँ प्रेम मिलता है इसमें क्या लिखा है क्या रखा है वो इसका महत्व नहीं है। इस देश में जो आप सम्मान देते हैं संतों को, आप इस देश में अपने धर्म की रक्षा, अपने संस्कृति की रक्षा इन मंदिरों के माध्यम से जो हो रही है, हम सचमुच हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं पुनः एक बार आप सबको हमारे भूदेवगण जो अपना देश छोड़ करके, मैं तो लक्ष्मीनारायण मंदिर में कह रहा था कि आप लोग हमारे देश को कंगाल बना रहे हैं, भारत को, क्योंकि अच्छे अच्छे रत्न वहां से उठा के आप लोग यहाँ ला रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े उन्होंने वेद का अध्ययन किया है, ऐसे पंडितों को वहां भी सर्वत्र आप लोग मंगाते हैं, और साथ साथ में आप उनका सम्मान, आने जाने वाले का सम्मान, और सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की रक्षा हो रही है, ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। इसलिए मैं आपको, आपके इस कमेटी जो यहाँ के मेंबर्स हैं जिनके घर में हम ठहरे, भाटिया जी उनकी विशेष प्रेरणा थी कि आप मेरे पास ठहरे, और ये ब्राह्मण वर्ग वहाँ आए, सम्मान किया, और आज इस अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर आए, तो साधुवाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद, और आप भुक्ति और मुक्ति दोनों के अधिकारी बने, यहाँ भगवती के चरणों में हम ये प्रार्थना करते हैं। ओम शांति।